एक हैबिट की बात करूंगा, स्टीफन आर कवॉय की। इनकी पहली किताब मैंने कल आपको बताई थी, सेवंथ हैबिट, मगर इस एट्थ हैबिट जो है ये बहुत ज़रूरी है अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं। इनका इस किताब के अंदर आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से अपने जो छुपे हुए पोटेंशियल है उसको बचाने, और साथ ही साथ अपने जो साथ वाले हैं उनको बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उनको भी अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने का जो है अवसर मिले। उसके बाद एक और जो किताब है वो है टॉप परफॉर्मेंस। ये अमेरिका के मशहूर नंबर वन मोटिवेटर जिगलर की है। इसके अंदर आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से हम अपनी टॉप परफॉर्मेंस को अनलॉक कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी मीटिंग्स को यूजफुल बना सकते हैं, और किस प्रकार से वर्क एटीट्यूड्स को डेवलप कर सकते हैं, और हम किस प्रकार से लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। देयर आर मैनी पॉइंट्स फॉर गोल सेटिंग फॉर पुला। ये किताब अगर आप पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छी है, और आप देखेंगे कि वर्क एरिया में हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी एक और किताब यहाँ पे जो आ रही है वो रॉबिन शर्मा, इनकी किताब है द लीडर हु हैड नो टाइटल। अगर इन किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो ये हमें सिखाती है कि हम किस प्रकार से लोगों के साथ काम कर सकते हैं और उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लाइक ए सुपरस्टार। चाहे आप एक सुपरवाइजर हैं, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे हैं। दूसरा चीज़ है कि इस ये हमें बताता है कि ऐसे तरीके जिनसे कि हम बदलाव के अनुसार किस प्रकार से अपॉर्चुनिटीज़ को सीज कर सकें और हम किस प्रकार से एक अच्छी टीम बना सकें। तो ये किताब मैं दोबारा बताना चाहूँगा, ये हर किसी को पढ़नी चाहिए। ये जैकब बुक्स जो है उन लोगों ने इसे पब्लिश करी है। उसके बाद एक और किताब, अभी तक आपने देखा होगा कि कहानियाँ किस प्रकार से हमारी मदद करती है। दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक लीडर बनने के लिए, एक सफल आदमी बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि यू शुड हैव ए डिग्री, डिप्लोमा या और चीज़ आपके पास हो। सिर्फ इसके लिए ज़रूरत है एक कॉमन सेंस की, एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, एक अच्छा पेरेंट्स। वो उनका किस प्रकार से अपने साथ वालों के साथ काम लेना चाहिए, उनको पहचानना चाहिए, वो चीज़ है। मैं कल एक सीरियल देख रहा था जिसके अंदर अहिल्या बाई के अंदर कि किस प्रकार से एक आइडिया मिला, किससे, शिवाजी और शाइस्ता खां की लड़ाई से। शाइस्ता खान औरंगजेब ने जब अपने मामा को भेजा सेना लेके, बड़ी सेना को लेके शिवाजी को पकड़ने के लिए, और किस प्रकार से पूना में वो जब किले में ठहरा तो वहाँ पे भेष बदल के शिवाजी ने अपने सैनिकों के साथ एक बारात के रूप में अंदर गए और उन्होंने हमला कर दिया, एक बड़ी सेना को भी उन्होंने हरा दिया। तो दोस्तों ये जो कहानियाँ हैं अगर आप देखेंगे, ज़्यादातर जो सफल व्यक्ति हैं इन्होंने, हो सकता है कि हमारी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज MBA या कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली है, मगर अगर आप इनको ज़िंदगी को झांकने की कोशिश करोगे तो इन्होंने धार्मिक ग्रंथों से, लोगों की कहानियों से, लोगों की किताबों से, किताबें इनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करी है। अभी तक हम लोग जो सीखते हैं वो वेस्टर्न मैनेजमेंट फिलॉसफी से सीखते हैं कि व्हाट ए लीडर शुड बी, एक किस प्रकार से काम करें, मगर अगर हम अपने ही उधर जाएं तो एक किताब मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, इसमें लुईस एसर वर्स एंड अनीता एसर वर्स की है, ये है सॉल्व योर प्रॉब्लम्स द बीरबल वे। ये किताब जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार से हम अकबर और बीरबल की स्टोरी से मैनेजमेंट लेसन्स हम ले सकते हैं।
और ये मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, ये इतनी महान है कि आप उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण में भी बताया कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक बेटे को कैसा होना चाहिए, एक मित्र को कैसा होना चाहिए, एक पत्नी को कैसा होना चाहिए, एक सेवक को कैसा होना चाहिए। तो इन चीजों से हम सीख सकते हैं। गीता जो है आपको अलग चीज सिखाती है। तो इन चीजों से किताबें जो है अगर आप पढ़ेंगे तो ये है। तो एक लीडर्स के लिए ये मैंने बताया, ये चौथी किताब है। एक जो बेस्ट किताब जो मैं हर इंडस्ट्री में, अगर एचआर हेड वाले मेरे दोस्त अगर देख रहे हैं तो उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि Who Moved My Cheese, ये जो किताब है ये बेस्ट किताब है। ये डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने लिखी है और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार एंटीसिपेट चेंज, चेंज को कैसे पहचाने, चेंज को पहचान के अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करें। और जो व्यक्ति बदलाव के साथ नहीं बदलते उनको जो है किस प्रकार की परेशानियां होती है। इसमें चार करेक्टर्स हैं और ये चार करेक्टर्स किस प्रकार से चेंज किया कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये किताब दोस्तों मैंने अपनी कंपनी में मंगवाई और हर व्यक्ति को, चाहे वो सुपरवाइजर था चाहे एचओडीज थे, उन सबको ये पढ़ने के लिए दी। आप इसे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये किस प्रकार से आज के टाइम में ज़रूरत है। जो लोग समय के साथ नहीं बदलते, जो सभ्यताएं समय के साथ अपने आप में बदलाव